ओके नाइन क्लास, अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.3 फ्रॉम एक्सरसाइज पेज नंबर 54 पर। 2.3 की स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। अ कार हैज अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक गाड़ी है वो हरकत कर रही है और उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। इट एक्सेलरेट्स at 0.2 meter per second for half minute। वो गाड़ी half minute के लिए यानी 30 seconds के लिए move करती है 0.2 meter per second square की acceleration से। Find the distance traveled during this time and the final velocity of the car। इस दौरान उस गाड़ी ने कितना फासला तय किया और वक्त के बाद जो उसकी final velocity थी वो क्या थी। अगर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक गाड़ी है वो ऑलरेडी किसी पॉइंट से मूव करती हुई आ रही है, वो किसी पॉइंट से मूव करती हुई आ रही है और पॉइंट बी पर इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी, ये है 16 मीटर पर सेकंड है। नहीं बेटा, ये है 10 मीटर पर सेकेंड। और इस दौरान इसने जो टाइम कवर किया वो है हाफ मिनट। हाफ मिनट का मतलब ये हो गया कि t इक्वल्स टू 30 सेकेंड। जी, जबकि इस दौरान जो एक्सेलरेशन थी बेटा वो थी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने ये कैलकुलेट करना है कि q पोजीशन पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी और t से q तक इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। ये हमारा आज का काम है। ये डाटा हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं, नोट डाटा आएगा आपके पास। अच्छा, ऐसा है कि अब आपको न्यूमेरिकल्स टू द पॉइंट करवाए जाएंगे, ठीक है। आपने उन्हीं हेडिंग्स में प्रॉपरली अपने डाटा निकालना है, नोन डाटा लिखना है, कैलकुलेशन की ये सारी जो चीजें ना बेटा आपने खुद करनी है, ठीक है। दरमियान में एक अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आएगा उसमें मैं तमाम हेडिंग्स के साथ एक बार दोबारा यही न्यूमेरिकल्स इंप्लीमेंट करना शुरू कर। जी, नोन डाटा में आपके पास आ गया है इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर इसके बाद एक्सेलरेशन है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर बेटा इसके बाद आपके पास टाइम आ जाता है, टाइम कितना गिवन है हाफ मिनट यानी के 30 सेकंड। आप यहां लिख दीजिए हाफ मिनट यानी के 30 सेकंड। अच्छा, ये आपके पास गिवन डाटा मौजूद है। अच्छा, इसके बाद अब आपने अननोन डाटा में क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है। आपने बेटा फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। डिस्टेंस और फाइनल वेलोसिटी, ये दो चीजें आपकी कैलकुलेशन की आएंगी। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, देखिए जी आपके पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, आपने जब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने हैं आपने साइड पर एक जगह पर तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेनी है। vf equals to vi plus at, s equals to vit plus 1 over 2 at square, 2as equals to vf square minus vi square। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने का मकसद ही होगा कि जब आपने डेटा निकालना है तो फिर आप आपने देखना है कि कौन सी इक्वेशन सूटेबल है। वैसे तो आपको इंशाल्लाह इसकी जरूरत नहीं पड़नी, आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि जब आप स्टेटमेंट देखें तो आपको फौरन पता चल जाए कि हाँ ये फलाना न्यूमेरिकल है, 2.3 है, तो आपको उसकी कैलकुलेशन सारी याद आ जाएगी इंशाल्लाह। चलें, तो अब इसको जरा एक न्यू प्रेजेंटेशन के साथ आप इसको करते हैं। जी जरा और से देखिए आप, जी सॉल्यूशन में आप लिखेंगे यहां पे एक लाइन लगा दें, एक तरफ लिखते हैं आप फाइनल वेलोसिटी, एक तरफ आप लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस लिखते हैं आप सिर्फ। जी, फाइनल वेलोसिटी के लिए तो हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन है vf equal to va plus at, सिंपल इक्वेशन है हमारे पास। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये है कि अभी हम यहां फाइनल वेलोसिटी के लिए कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हमें पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। समझ आ रही है आपको। देखिए जी, फाइनल वेलोसिटी हमने कैसे निकालनी है,
फाइनल वेलोसिटी की कैलकुलेशन आपके लिए बी एफ इक्वल टू बी एल प्लस ए बी। अब अगर आप देखिए कि अगर आप फाइनल वेलोसिटी के लिए यहां पे वैल्यू लगाते हैं तो आपको बस आंसर निकल आता है जी बी एफ इक्वल्स टू बी आई प्लस ए बी। अब आप ये देखिए कि क्या आपके पास ये तमाम डाटा मौजूद है फाइनल वेलोसिटी में बी एल बी ए बी और डी बी एल। जी हाँ, तो हम सिंपली इसकी वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेंगे। अच्छा अब आप देखेंगे वी आई प्लस ए और ये हो गया टी। ये वी आई कितना है आपके पास 10, एक्सेलरेशन कितना है आपके पास 0.2 और टाइम कितना है आपके पास 30 सेकेंड। ये आपके पास बन जाएगा 10 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 30 इक्वल्स टू 6, ठीक है 6 मीटर बन जाएगा ये। ठीक है, मतलब 10 एज इट इज प्लस एज इट इज, तो 0.2 को आपने 30 के साथ सॉरी मल्टीप्लाई करना है, 36 आंसर आएगा। आप दोनों को ऐड कर दें, आंसर आएगा आपके पास 16 मीटर पर सेकंड, दैट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। यानी कि इस पोजीशन पर जो फाइनल वेलोसिटी थी वो कितनी है बेटा 16 मीटर पर सेकंड। हमारे पास एक आंसर आ चुका है। ठीक है, सिमिलरली अब हम डिस्टेंस के लिए फार्मूला देखेंगे। डिस्टेंस के लिए हमारे पास कौन सी इक्वेशन सिंपल है, डिस्टेंस के लिए हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सूटेबल है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू vit प्लस 1 ओवर 2 at स्क्वायर। जी इसी में वैल्यूज पुट करते हैं। अब पहले आपको फॉर्मूला बना रहे हैं vit प्लस 1 ओवर 2 at का स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला बना रहे हैं। अब आप यहां से देखकर बेटा वैल्यूज पुट कर देंगे। जी वी आई कितना है आपके पास 10, टी कितना है आपके पास 30 प्लस 1 ओवर 2 एज इज, ए कितना है आपके पास बेटा 0.2 और टी की वैल्यू 30 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय 30। अब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसकी कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 30 इक्वल्स टू 300 प्लस, इसकी कैलकुलेशन यहीं पर आप कर सकते हैं जी। इसकी कटिंग भी हो सकती है, ये आएगा 0.1 प्लस इनटू ब्रैकेट 0.1 और 30 का स्क्वायर। जी 30 का स्क्वायर बेटा आपके पास होता है 900, 30 का स्क्वायर 900 जी, 300 प्लस 900 को 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने। 300 एज इट इज आता जाएगा प्लस एज इट इज 0.1 को 900 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 90। तो अब आपके पास क्या आएगा 300 प्लस 90, 390 मीटर, दैट विल बी द कवर्ड डिस्टेंस बाय द कार। अब आप यहां पर फाइनल रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट या कंक्लूजन लिख लें, रिजल्ट लिख लें, जैसे पिछले मॉड्यूल में हम कंक्लूजन लिख रहे थे, जैसे आप कभी लिख रहे हैं आप लिखे जी। इसके बाद अब हम लिखेंगे हैंस, लिहाजा आप डायरेक्ट आंसर लिख दें फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार इज 16 मीटर पर सेकेंड एंड इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 390 मीटर। बेटा इन प्रेजेंटेशन के ऊपर आपने इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट करना है। ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच।